नेपाल की संसद के उच्च सदन नेशनल असेंबली में देश के विवादित राजनीतिक नक्शे को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। विपक्षी नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने संविधान की तीसरी अनुसूची में संशोधन से संबंधित सरकार के विधेयक का समर्थन किया है। रिपोर्ट देखिए। भारत ने जब लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किया तो उस पर नेपाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। नेपाल ने दावा किया कि लिपुलेख, कालापानी, ओलंपिया धुरा उसके क्षेत्र में आते हैं। नेपाल ने इसके जवाब में अपना नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें ये तीनों क्षेत्र उसके अंतर्गत दिखाए गए और अब भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए नेपाल की संसद के उच्च सदन नेशनल असेंबली ने देश के विवादित राजनीतिक नक्शे को लेकर पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। इस दौरान भारत पर लिपुलेख, कालापानी, ओलंपिया धुरा पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगा। नेपाल के नए नक्शे के समर्थन में नेशनल असेंबली में 57 वोट पड़े और विरोध में किसी ने वोट नहीं डाला और ये विधेयक सर्वसम्मति से नेशनल असेंबली से पारित हो गया। इस नए नक्शे में नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी, ओलंपिया धुरा के कुल 395 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके को अपना बताया है। भारत ने नेपाल के इस कदम पर आपत्ति जताते हुए नक्शे को मंजूर करने से इनकार किया और कहा है कि सिर्फ राजनीतिक हथियार है जिसका कोई आधार नहीं है। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में उस वक्त तनाव दिखा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने सड़क के उद्घाटन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया ये सड़क नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए दोहराया है ये सड़क पूरी तरह से उसके भूभाग में स्थित है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।